हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल एस की पी फिज इन्फो में। फ्रेंड्स, तो अभी हम आपको एक अपडेट देने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो पॉन्ड है जो हमने छत पर रखा है फ्रेंड्स, तो उसमें अभी मोर देन 50 हमको मॉली फिश के फ्राई दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो बड़े फिश हैं उससे भी ज़्यादा हमें अभी अभी हमने देखा, तो हमें मतलब उसे काउंट किया तो फ्रेंड्स पता चला कि 50 से भी ज़्यादा हमारे पास फ्राई भी मौजूद है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जितने आपको बड़े फिश दिख रहे होंगे उससे ज़्यादा आपको छोटे छोटे फ्राई नज़र आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा, मैं थोड़ा पॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने मतलब कैसे बनाया, तो फ्रेंड्स हमने सिंटेक्स की जो टंकी आती है मतलब वाटर टैंक, तो फ्रेंड्स वो थोड़ा हमने एक भंगार से उठाया था और इसे ऊपर का जो भाग था वो डैमेज था उसे कट कर दिया फ्रेंड्स, और फिर नीचे का जो सही था वो हमने रहने दिया। और फिर इसके अंदर हम पूरा पानी नहीं भरते, थोड़ा खाली रखते हैं, नीचे से 6 या 4 इंच भरते हैं फ्रेंड्स। जितना शैलो रखोगे उतना अच्छा रहेगा, मतलब मैं बताऊँ तो गप्पी मौली वगैरह के लिए, क्योंकि हम इसके अंदर है ना ऑक्सीजन वगैरह कुछ ऐसे पंप या वो प्रोवाइड नहीं करते फ्रेंड्स। जितना भी शैलो अगर वाटर आप फिल करोगे फ्रेंड्स, तो इनको ऑक्सीजन लेने में ऊपर आके अच्छे से ले पाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और दूसरी में बात करूँ तो हाइडिंग प्लेस हमने मैक्सिमम प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मौली फ्राई देती है तो फ्रेंड्स जो मतलब उसके जो बच्चे वो ऐसे हमारे जो हाइडिंग प्लेस है वहाँ पे जाके छिप जाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमने बड़े बड़े स्टोन का यूज़ किया है, कुछ हमने मटकियाँ भी अंदर रखी है फ्रेंड्स, और आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक के प्लांट आते हैं फ्रेंड्स वो भी रखे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी पानी गंदा है, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि गंदा है, हम पानी है ना मतलब बहुत ऐसे दिनों बाद चेंज करते हैं हम रिसेंटली, मतलब ऐसे मैं बहुत बताऊँ तो फ्रेंड्स मैंने आखिरी बार पानी चेंज किया था तो मेरे को याद है तो मैंने 1 महीना ऊपर हो गया फ्रेंड्स, तो मैं पानी जल्दी चेंज नहीं करता फ्रेंड्स। तो उसे होता क्या, जितना भी पानी पुराना रहेगा ना फ्रेंड्स, तो मतलब है ना फिश को ऐसा अच्छा सा एक मतलब मैं बोलूँ तो उसको अच्छा सा एक मतलब एक एनवायरनमेंट मिलेगा फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा कि मतलब उनको थोड़ा ऐसा नदी जैसा तालाब जैसा अब उसको ऐसा फील होगा फ्रेंड्स, जैसे आप नदी तालाब में देखते हैं तो मतलब पानी उसमें हर रोज चेंज नहीं होता फ्रेंड्स, पुराना होता रहता है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमने इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है फ्रेंड्स, और आपको दिख रहा होगा नीचे गंदगी बहुत है, लेकिन आपको ये भी चीज़ दिख रही होगी कि पानी जो है वो क्लीन है, आपको फिशेस अच्छे से दिखाई दे रही है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा अपना पॉन्ड है और उसमें अंदर फिश आपको नज़र नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो समझ रहे पानी गंदा है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको पानी बदलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अभी हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, आपको अच्छे से आप देख सकते हैं, आप अपनी फिश को अच्छे से देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो मतलब पानी सही है फ्रेंड्स। और फूड के बारे में बात करें तो नॉर्मल हम हमारे जो दाने होते हैं वही डालते हैं फ्रेंड्स, उसमें कुछ खास नहीं है। और अभी फ्राई है तो हम थोड़ा क्रश करके भी डालते हैं जिससे कि वो भी अच्छे से खा पाए फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिल जाएगा हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।